सो विधि एंड पायल वेलकम अराउंड हियर। मेरे हिसाब से ये आपका सिटी सेंटर है बिश्केक का, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ पर आते रहते हैं, ऐसा है? हाँ, मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेशंस वगैरह पे हम यहाँ आए थे। अच्छा। और बिश्केक में हो राजस्थान से? सुना है मैंने आपके बारे में, उदयपुर जोन से आते हो। मैं भी उदयपुर से हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद में कभी ऐसा तो नहीं लगा यार अकेला अकेला लग रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ओह माय गॉड कहाँ आ गई, मम्मी पापा की याद आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं? आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल हम उदयपुर से, जैसे मोस्ट ऑफ पीपल हम लोग एक एरिया से तो फ्रेंड्स बन ही जाते हैं, और बाकी अगर दूसरे स्टेट से भी हो फिर भी हम एक ही कंट्री से, इंडिया से। आपको लगता है जो इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो इतना फ्रेंडली रहते हैं कि वो आपस में दोस्ती कर लें? सब एक दूसरे से दोस्ती करके रहते हैं, हम हॉस्टल में रहते तो सब। BIMI के हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक? फर्स्टली कम्फर्ट जोन है एंड खाना भी अच्छा है, और मतलब इंस्ट्रक्चर बहुत अच्छा है वहाँ का, और सारी फैकल्टी प्रोवाइड कर रखी है उन लोगों ने, और वेज नॉन वेज भी डिवाइड कर रखा है। अच्छा, पेरेंट्स का सपोर्ट कैसे आया, क्योंकि लड़कियों को भेजने में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस होते हैं कि नहीं यार गर्ल्स को जो है वो बाहर नहीं भेजना। आप तो ये सोचो अपने उदयपुर और अपने जैसे सिटीज़ में तो ऐसा माहौल है कि शहर से बाहर भेजने से पहले भी सोचते हैं, आपको देश के बाहर भेज दिया तो एक्चुअली क्या है, मैं 10th से ही बाहर थी, जैसे 11th 12th मैंने अपने कोटा से किए। अच्छा। मेरे पापा का ही ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनाना है, और फिर उन्होंने मेरे इवन थोड़ी फैमिली मेरे अगेंस्ट भी मतलब थी कि फिर पापा ने सबको मनाया, मतलब पापा का पूरा सपोर्ट रहा है तो, और वही फिर यहाँ पे सेफ्टी पर्पज़ देखा, यहाँ के यहाँ का कॉलेज देखा और बच्चे देखे, सब देखा तो सब सही लगा इसलिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और यार पता है मैं जब से यहाँ पर आया हूँ ना, मैं यहाँ के लोकल लोगों की लैंग्वेज सुन रहा हूँ, तो वो क्या है रशियन में बात करें, किर्गिज लैंग्वेज में या ऐसी, तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कॉलेज में स्टडीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या हमें रशियन भी सिखाते हैं जब हमारा हॉस्पिटल में हॉस्पिटल पर्पज़ के लिए हमें जाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, तो फिर हम अब जैसे यहाँ पर अब रशियन बोलते तो हमें समझ आ जाती है, क्योंकि हमें कॉलेज क्लासेस लिए, और इवन अगर नहीं आती है तो सारी फैकल्टी इंग्लिश में बात करती है, इंग्लिश में पढ़ाती है, ऑल टीचर्स आर सेइंग इंग्लिश। अच्छा, और इंडियन डॉक्टर्स का सपोर्ट मिला है यहाँ पर? इंडियन हाँ, जैसे एक दो लेक्चर हुए जो इंडिया से डॉक्टर्स हैं उनके लेक्चर्स हुए। तो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है त्रिभुवन सर का भी आपको? हाँ, त्रिभुवन सर का हमेशा सपोर्ट रहा है। हाँ, क्योंकि वो है जो BIMI के अंदर काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। और कहाँ कहाँ घूम लिए अब तक? हम पूरा बिश्केक घूम लिए होंगे। आसपास घूम के आए क्या, कजाकिस्तान किर्गिस्तान? नहीं, कजाकिस्तान वगैरह ये सब? अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं तो चाहता हूँ यार एक्सप्लोर करो आगे भी, और आगे भी घूमो। और क्या मैसेज देना चाहते हो अपने उदयपुर के लोगों को या फिर अपने राजस्थान के लोगों को, ये बताओ आप? तो हम यही कहना चाहते हैं अगर किसी का ड्रीम है डॉक्टर बनना तो अच्छी जगह किर्गिस्तान, तो आप लोग आ सकते हैं, और टीचर्स आर प्रोवाइड सम एजुकेशन एंड फैकल्टी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। गर्ल्स की सेफ्टी की आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर नाइट टाइम में रात के समय में लड़कियाँ सेफ है पूरी तरीके से? आपकी सेफ्टी है? अभी तक हम जितनी भी लड़कियाँ, हम कुछ 20-25 लड़कियाँ हॉस्टल में भी रहती हैं, हमारे साथ किसी के साथ भी ऐसा कुछ बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, और हमारे साथ सुनने में भी नहीं आए तो सेफ है रात के लिए भी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अच्छा लगा आपसे। और यहाँ पर मैं जब से अभी आया हूँ सिटी सेंटर में, BIMI के काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मिल रहे हैं, वो लोग घूमने के लिए आए हैं। अभी शाम के टाइम पे यहाँ पर काफ़ी घूमने के लिए आते हैं जब उनकी क्लासेज ओवर हो जाती है, वैसे तो आज संडे है, तो मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए। तो मिलते हैं एक बार फिर से, ठीक है? चलिए आइए।